नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। जुलाई का तीसरा सप्ताह, सावन का महीना, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा टाइम। जो लोग मोक्ष की प्राप्ति, जो लोग किसी अपनी बीमारी से परेशान, जो लोग धन धान्य के चक्कर में व्यस्त, उन सभी के लिए शिव को मनाने के लिए एक अच्छा समय है भगवान भोलेनाथ का। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था और अपने बाकी वीडियोस में भी बताया कि शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आप वो फॉलो करते हैं और शिव शंकर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण और आपके स्वास्थ्य की वृद्धि, वैभव में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएँ होती हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे पिछले वीक के, पिछले सप्ताह के जो राशि फल्स हैं और जो उनके एसोसिएटेड मैंने उपाय बताए थे, आपने उनको फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि का स्वामी है मंगल, शुभ दिन है मूंगा, शुभ दशा तीन मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों का लक्ष्य के प्रति संकल्प बना रहेगा। निवेश करने के हिसाब से सप्ताह अच्छा नहीं है, बिजनेस में भी कुछ नुकसान हो सकता है। यदि जातक विवाहित हैं तो इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घर में खुशियां और शांति बरकरार रहेगी। इस सप्ताह छात्रों के हिसाब से सप्ताह अनुकूल है। मेहनत करने के लिए थोड़ा तैयार रहना होगा। सेहत के मामले में इस सप्ताह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक कार्य, पवित्र कार्यों में आपका धन का व्यय संभव है। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि इस सप्ताह में आप रोज़ाना जब भी घर से बाहर निकले तो पॉसिबल हो तो मिठाई का दान करें मंदिर में आसपास के। ट्यूसडे के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाल रुमाल या लाल कलर पर फोकस करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, भाइयों का आदर करें, वाणी पर संयम रखें, किसी से नेगेटिव नहीं बोलना है। और वट वृक्ष की जड़ पर यदि आप मंगलवार को स्पेसिफिकली यदि आप मीठा दूध चढ़ाते हैं और चिड़ियों को रोज़ाना दाना डालते हैं तो ये सप्ताह आपके सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए ये उपाय कारगर साबित होंगे। तो देखा जाए तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सारे उपाय जो मैंने बताए इसमें से आप कुछ कर पाएंगे, कुछ हो सकता है ना कर पाएँ। जो उपाय आप ना भी कर पाएँ तो जो बेसिक उपाय आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको जो मदद आपसे किसी गरीब के लिए या ज़रूरतमंद के लिए हो सके आप वो करें। आपको चाहिए कि सात्विक जीवन व्यतीत करें। आपको चाहिए कि ये हर एक राशि के जातकों के लिए हैं। तो यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आप गरीबों को दान देते हैं, मंदिरों के प्रति आपकी आस्था रखते हैं, तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आने वाला पूरा जो जीवन में जितना भी टाइम आएगा वो सारा टाइम आपके लिए अच्छा बन सकता है। कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं रहेगा। नौ ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। जब आपके नाइन प्लैनेट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे तो ना आपको कभी भी आने वाले समय, बुरे समय में आपको ये फील होगा कि मेरा समय ख़राब चल रहा है। आप ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी वाले स्टेज में आ जाएंगे और वही एक स्थिति ऐसी है और मन की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी तरीका आपको लगेगा नहीं कि प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा अपने आप को खुश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा शुभकारी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।